गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर 247 यूट्यूब लाइव क्लासेस। आई एम रवि सर। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द हिस्ट्री इन रिलेशन टू नेशनल मूवमेंट इन जनरली फॉर द मॉडर्न फेज। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास स्टूडेंट्स, लेट मी नो दैट आम आई क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आज मोटिवेशन लेखा कि वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम्स टू डिफीट अस। ये कहे कि आम जो जो लक्ष्य नहीं जाइंट से लक्ष्य केवल छाड़ जा पड़े आम लक्ष्य पत्र के लक्ष्य भ्रष्ट होगा पड़े आम स्वप्न को आखि आगे रखी जावाक पड़ो ता सहित से ही समय जहाँ भी प्रोब्लम आम से प्रोब्लम आम जिन डिफीट न करें आम परास्त कर मैंने प्रोब्लम सल्व कर जीवन में आगे बढ़िया पड़ो। ओके, थैंक यू फॉर कन्फर्मेशन। तो ये सुंदर मोटिवेशन लाइक क्यूर सहित आज सेसन आम स्टार्ट करवा। तो पे जो मैंने आर 247 आप को डाउनलोड कर आप को डाउनलोड कर दियो। ये तुम डेली करंट अफेयर, डेली क्विजेस, मैगजीन्स, नोट्स, आर्टिकल्स पाइब, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस भी पाइव। ता सहित आर 247 ओडिया चैनल, यूट्यूब ओडिया चैनल, ये भारी बढ़िया चैनल तुम जानते हो। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने मिलूँ, रेगुलर क्लासेस भी मिलूँ, क्लासेस जॉइन कर पारे। तुम जो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाई दिव्य जहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आस तुम पाखे प्रथम पहुँचे। टेलीग्राम चैनल पे आम टेलीग्राम चैनल आर 247 ओडिया टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जाओ, ये लेटेस्ट अपडेट तुम टेलीग्राम चैनल पाइज। तब देख सरकार नौकरी मतलब आर 247 ये देखिए पे तो आम पाखे 10 कोटी रू अधिक स्टूडेंट आम रिलायबल होती मैंने जो डिपेंडेंट कर पढ़ापाई स्वप्न को साकार करने भरोसा रखिं। तेनाली मन रखा ये कोड Y595 ये कोड यूज कर जो कोर्स तुम कि बुक्स कि जोटा भी देखो 17% तुमको डिस्काउंट मिले अल् प्रडक्ट उपर। ता सहित जी कह आजपाई ये सब बेच गुड़ा पे आर 247 लाइव अच्छी तुम सब बेच को परचेज कर रुद्राक्ष बेच एवं रिसेंटली स्टार्ट कल ठू तो ये 300 घंटार अधिक इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस तुमको मिले। तापर हूँ कि ये 2940 टाँग प्राइस रोज Y595 कोड यूज कर 2440 टाँग प्राइस हो जाए। सार्थक बेच जो तुम अक्टोबर 13 स्टार्ट ओडिशा हाई स्कूल टीचर पर तुम चाहे एनरोल कर पार सार्थक बेच। तापर देखिए बालिम गेज पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर जो बेच अच्छे ये स्टार्ट हो अक्टोबर तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइव। ओके, तो आज हम देखा नेशनल मूवमेंट मॉडरेट फेज। ओके, चलो देखिए नेशनल मूवमेंट जो देखा धीरे धीरे देख आम आगे देखिले कि रिवोल्ट ऑफ 1857 देखी थे ना नहीं तो बहुत 150-150 वर्ष आम शासन शासित होगापे सब कौन ना अर्गानाइज हो फास्ट वार अफ इंडिपेडेन्स जोड़ा कहें 1857 आसाला रिवोल्ट ऑफ 1857 आसते देखिए नेशनल मूवमेंट नेशनल स्पिरिट समस्त मन भितर आसपर कौन नेशनल मूवमेंट आसर आस गए मॉडरेट फेज पे मॉडरेट लीडर मैंने भल मन रख जो मैंने कि मॉडरेट फेज रे मॉडरेट लीडर जमी आम कह गोपाल कृष्ण गोखले कह दिनसा वाचा कह कि आम दादा भाई नारोजी कह है ना सब थे कि ना आम मॉडरेट लीडर मैंने कौन एम ब्रिटिश जो ब्रिटिश शासन आम इंडिया चलती एम ब्रिटिश शासन को मानने अपोज करें कहते ना ना ब्रिटिश शासन मैंने प्रकृति शासन टा जस्ट आम इंडिया ब्रिटिश शासन टा ब्रिटिश रूल टा भल रही किंतु से आम कथा ठीक से बुझी पार ना तेणु आम जब ल रेगुलेशन भितर रही आम जहाँ भी आम ओपिनियन इंडियन ओपिनियन आगे रिप्रेजेंट करवा ठीक से बुझीपारे आउ सुशासन करेंगे से जो विश्वास रखी थे जो मैंने मानने ब्रिटिश सेन्स अफ गुडविल ब्रिटिश सेन्स अफ जस्टिस से मॉडरेट लीडर बोली कह। ओके, ओके ठीक अच्छे तो आज सेशन स्टार्ट करिया पिला माने। गुड आफ्टरनून मिरीश माही तृप्तिमयी विचित्र सावित्री आवालीन पटनायक पद्मनाभ बंजोसना शुभश्री गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज भी आम 30 क्वेश्चन पे डिस्कशन करवा तो जेनेल तुम नहीं पारे तुम रिविजन हो जो मैंने नुआ पे आसमें रिविजन हिसाब नहीं पारे सहित बहुत सारा नुआ क्वेश्चन भी आम पाइबा तो एराउंड आम 30 क्वेश्चन हिसाब डिस्कशन करवा जोटा कि मॉडरेट लीडर उपरे बेस्ट रही है जेनेल मॉडरेट फेज
ता दुटा हम डिस्कशन करबा आईएनसी रो किछि क्वेश्चन रहि पारे ता सब मॉडरेट फेज हला तापर नेक्स्ट आ जानि हम कोन एस्टिमेटेड फेज नेशनल मूवमेंट सेकंड रा हम देखिबा तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन रेडी सब 30 जिन 30 आज पर आंसर रहबे समस्तार निकिता गुड आफ्टरनून टैप्स कोन टैप्स 24.7 ओके सेकंड रेडी गुड आफ्टरनून शुभश्री बंजसना गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू चलो स्टार्ट करबा क्वेश्चन तो 1 2 3 फर्स्ट क्वेश्चन Which book was written by Dadabhai Naroji on Indian poverty and economy under British rule? तो को बैठा से लिखी थी लेकिन ना Dadabhai Naroji जो कि Indian poverty और economy under British rule ये विषय को बैठा से लिखी थी। ऑप्शन ए Indian economy under British Raj ना British rule and economic drain of India C poverty and on British rule in India ना D economic drain and poverty of India बहुत बढ़िया fantastic गुड ये प्रथम जो देखिया बेला मॉडर्न लीडर मानकर एटा गुटे भूमिका थिला जे से मान जदी अधिक आखि दुष्टा किसी लाभ माने पाइ नथिले कोडे ना ताकर जो कि प्रिंसिपल उडा थिला प्रेयर पिटीशन हैला रिजोल्यूशन आ प्रोटेस्ट रे किंतु से माने कोन करथिले ना ब्रिटिश मानकर जो एक्सप्लोइटेशन दा इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन दा को समस्त आगे कोन ना दर्शिथिले जिन के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहबा ओके चंद्रगुप्ता नमस्कार नमस्कार ड्रेन ऑफ वेल्थ तो सीधे मैंने दर्शी थे जो बहिटा कि प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नारोजी पूरा देखे किमी ब्रिटिशर्स मैंने आम इंडिया सब कौन धन लुटुचार जिन सालरी मध्यम ब्रिटिश ऑफिशियल मानक सालरी दिया ब्रिटिश ट्रुप आसिक इंडिया रेले जो पैसा पेमेंट दिया ब्रिटिश कंपनी मैंने जो प्रॉफिट करते से प्रॉफिट भी कौन इंडिया ही जाऊ तो इंडिया कमी मैंने ड्रेन विभिन्न मध्यम होम चार्जेस रही जो मैंने होम चार्ज मैंने आम मैंने इंडिया को रक्षा करने जो भी युद्ध करते बाहर बाहर सब कंट्री मानक से भी पैसा नौते डबल कौन सालरी दिखाला कहते कौन जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मानते थे डबल सालरी नौते विभिन्न प्रकार माध्यम रे जो आमठ पैसा गुडा कौन शोषी नौते इंडिया ड्रेन नौता धनटा से दर्शी थे भला कौन प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कि आम दादा भाई नारोजी ओके दीप्तिमयी गुड आफ्टरनून सेकंड क्वेश्चन देखा हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किए फाउंडेड करते ऑप्शन ए चित्तरंजन दास ऑप्शन बी दादा भाई नारोजी ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ ठाकुर ना ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर जल्दी आंसर कर 30 30 क्वेश्चन जेने करेक्ट आंसर पूरा हबो ओके बहुत बढ़िया मिनिस्टर आंसर पलेसिला मिहिर ओके गुड चलो बहुत बढ़िया समस्त आंसर दियो दादा भाई नारोजी ना तो देखिले मॉडर्न लीडर नहीं कि अधिकांश देखिए जब हमें क्वेश्चन पाइबा कौन दादा भाई नारोजी ओके गुड बहुत बढ़िया फैंटास्टिक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं कि लंडन रे फॉर्मेशन होती जेनरली आकर मेन काम थी कौन ना द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी इन 1866 इन कोलाबोरेशन विद द इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन लंडन इट सुपरसीड द लंडन इंडियन सोसाइटी एंड वाज ए प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन मैटर्स एंड आइडियाज अबाउट इंडिया एंड टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस टू द गवर्नमेंट जो कहे पे दादा भाई नारोजी देख आम इंडिया मान इंडियान मैंने जो टाइम नेशनल मूवमेंट अधिक टाइम से फरेन रे अच्छा कि फरेन में खाली रही ना सी कौन कहना एवेकनिंग कर भावुंजे जो ब्रिटिश मैंने इंडिया रे जो भी अन्याय चलती मैंने जो टाइप शासन चलती से शासन टाक मैंने ब्रिटिशर्स मैंने बुझी पार ना कि ब्रिटिशर मैंने बुझे ठीक से सुशासन हम तेणुक से दुईटा मानते मानने जो लोक ओपिनियन इंडिया भी लोक ओपिनियन नौकर कौन ना आम ब्रिटिश रे भी लंडन रे भी लोक ओपिनियन नौते आम से कौन चाहूँगी ना आम समय सब जनइले ओपिनियन टा रिप्रेजेंट कले कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कले तो कौन रिफर्म आसो जो रिफर्म गुड़ा आसे इंडिया सुशासन चलो कहीं मॉडर्न लीडर एम चाहते ब्रिटिशर्स मैंने ही इंडिया सुशासन आनी पारे है आम जो भी प्रथा कुप्रथा सत्यार प्रथा ये सब जिस गुड़ा अच्छी राजा गुड़ा शासन अच्छी युवा जाइए डेमोक्रासी इंडिया से सेटलमेंट हो पार तेनाली कौन गुड मानने गुड सेन्स अफ ब्रिटिश रूल पर विश्वास करते तेनाली पब्लिक ओपिनियन गैदरिंग करवा ब्रिटिश पार्लियामेंट जनवा जनइले कौन इंडिया बहुत सारा रिफर्म आस रिफर्म आसे आम इंडिया सुशासन हो पार जमी ऑस्ट्रेलिया चलता कानाडा से टाइम सुशासन चलता थोड़ा से टाइप शासन हो पार बोली थी तेणुक दादा भाई नारोजी अधिका टाइम कौन ना लंडन में पब्लिक ओपिनियन गैदरिंग करते जिनकी मानते रिफर्म गुड़ा आसो कौटे ना इंडियन जो शासन क्षेत्र में ओके ओके नमस्ते नमस्ते अर्जुन नमस्ते ज्योतिर्मयी नमस्ते नमस्ते प्रणाम ओके चल नेक्स्ट जी आम थर्ड क्वेश्चन देखा
At which Congress session did Dadabhai Naroji announce that the Swaraj was the goal of India's political effort? तो को Congress session रे Dadabhai Naroji कौन कही थी ना स्वराज हो ची goal of India's political मतलब जो effort रही थी तार goal नाम रे स्वराज बिल्कुल कही थी कोटे option A जो देखिए 1886 कलकत्ता session जी option B रही 1893 लाहौर session option C है ला 1905 बनारस session ना option D है ला 1906 कलकत्ता session ओके ओबियसली ता पूर्व कोन देखो बंग विभाजन ऑलरेडी हमर कोन ना बिल ला पराजित हो जाई छो नै कि हमर कोन 16 अक्टूबर 1905 रे 16 अक्टूबर 1905 रे जेटा ई पार्टीशन ऑफ बंगाल बिल कंप्लीट कोन इफेक्टिव पले आस्थियो आसीला पोरे तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होछि हला से टाइम रे तो दादाभाई नरोजी से टाइम रे कोन डिक्लेअर करछनते माने वर्तमान कांग्रेस रो तो गोल रहला कोन स्वराज बोली डिक्लेअर करछ कलकत्ता सेशन बहुत बढ़िया ऑल ऑफ यू आर करेक्ट बहुत बढ़िया गुड आंसर देछ थैंक यू ऑल पार्टिसिपेशन जो मैं सेशन को लाइक करना लाइक कर दियो सांगमाना सहित शेयर कर दियो ओके चल कलकत्ता सेशन 1906 इन कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 अंडर द लीडरशिप दादाभाई नारोजी कांग्रेस आरोड द स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल एट दिस सेशन रिजोल्यूशन ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल सेल्फ गवर्नमेंट है और स्वदेशी नेशनल एजुकेशन एंड ऑन बॉयकॉट वर पास तो ये सब रिजोल्यूशन पास होता तो देख से कौन ना अलमी तुमको कहली बंग विभाजन कौन के इफेक्ट पलि ऑलरेडी हमारे कौन ना 16 अक्टूबर 1905 तेणुक द पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिजोल्यूशन आपरे कौन ना सेल्फ गवर्नमेंट उपर रिजोल्यूशन आ स्वदेशी उपर भी जो स्वदेशी सब यूज करिए स्वदेशी मूवमेंट को कौन प्रोत्साहन दिखाई और अधिक कांग्रेस प्लाटफर्म नेशनल एजुकेशन एंड भी ये फोकस कराई ओके चल फैंटास्टिक बहुत बढ़िया तो नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन भूपेन हाँ मन रखता नहीं हाउ बहुत बढ़िया अच्छी आगे अच्छी तुम क्वेश्चन चल ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन कभी चल तो बर्तमान देख क्वेश्चन नंबर चार नंबर क्वेश्चन देखा द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पुना टू बॉम्बे ऑलमोस्ट एट द 11th आवर बिकॉज़ माने पूरा शेष टाइम रे पूरा फाइनल हेई थिला हमरो को नाम रहबो बोली पुना रे किंतु शेष मुहूर्त रे हम कोन नाम बॉम्बे को हमर घुसाई दिला कोडे गोपाल गोपाल दास तेजपाल तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज हला से जो घुसाई दिला ता कारण कोन थिला ऑप्शन ए द लीडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वेयर अगेंस्ट द होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस एट पुना ना द बॉम्बे गवर्नर एग्रीड टू एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स प्रपोजल टू एक्ट एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ना बॉम्बे एज कैपिटल ऑफ द प्रेसिडेंट नाइन आउटब्रेक ऑफ कलरा इन पुना फोर्स द ऑर्गेनाइजर ऑफ द कांग्रेस टू शिफ्ट द वेन्यू फ्रॉम पुना टू बॉम्बे ना सब डरिकी पलि गले ना कि बहुत बढ़िया फैंटास्टिक है ना कलरा आउटब्रेक देखते से टाइम पे मैंने कलरा होता मैंने एवं भी डर अच्छी पचार तुम जेजे बापा जेजे बाबा थे कलरा रोग होगा मैंने भल गाँ सरी जाता गोटे गाँव में भी जब कलरा होगा तो इन कथ मुझ शुणी तो जो गाँव में नर्माल कलरा हुए से गाँव सब झील दिखे बाहर होगा कलरा शुणिले मैंने गाँ छाड़ी सब पलिए पूरा जी लोक थी बहुत बढ़िया फैंटास्टिक तेना कलरा आउटब्रेक होता ना पुना तेणुक कौन ना बॉम्बे को पड़े जाइए गुड इन आउटब्रेक ऑफ कलरा इन पुना फोर्स द ऑर्गेनाइजर ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस टू शिफ्ट इट्स वेन्यू फ्रॉम पुना टू बॉम्बे है ना तो गोपाल दास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज सेठ हेतिबो ना चला तो बर्तमान देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 हां जो मान डी देछ सब करेक्ट आंसर ना चला विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेवल एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस ए भीतर कांग्रेस रो के मॉडरेट लीडर थिले माने भीतर पिला ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ऑप्शन डी अरविंद घोष ए भीतर के मॉडरेट लीडर नमस्कार मधुमिता नमस्कार जल्दी आंसर करो क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी आंसर करो स्पीड आंसर करो जल्दी हम सेशन सरे आज ठीक है आज पे हमने 5:30 रे गोटे सक्सेस स्टोरी होछे ना तो दु जन बीएसएस रो जो माने ऑलरेडी रैंक 3rd है ना रैंक 3 रखिंट आज जन 57 रखिंट से सक्सेस स्टोरी शुणा सब जॉइन कर 5:30 रे है बहुत बढ़िया फैंटास्टिक तो सब मास्टर है आम हिस्ट्री ना नहीं ओके गुड गुड थैंक यू ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर ओके जबरदस्त गोपाल कृष्ण गोखले ना गांधी जी कौन नाम पॉलिटिकल गुरु बोली कह गोपाल कृष्ण गोखले सी कि मानने कहे आम कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनई थे ना नहीं सेवा करने सेवा मन देखिए ये कौन आम देखा भितर लाल पाल पाल पलि आसे मैंने कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर गुड़ा है लाल पाल पाल तो 6 नंबर क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग वाज
थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ए भीतर इंडियन नेशनल कांग्रेस तीन थर पर प्रेसिडेंट किए ही थे। ओके बहुत बढ़िया। शक्ति चंदन पटनायक देखो आमर एक्चुअली की जदि देखिया जाय कोना बेच जो बेच पई ओएस ओकेस बेच आमर ही हमें लॉन्च करन थिले बुझ पला चल। ओके गुड चल ओके बहुत बढ़िया फैंटास्टिक ना दादा भाई मैंने आलोची कौन तीन टा जरा भला मन रखी दो जो जो टाइम भी तीन थर पर जाकर ना कांग्रेस का प्रेसिडेंट है दादा भाई नारोजी इज रिनोर्ड फॉर हिज वर्क इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ व्हिच ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एंड द थ्राइस प्रेसिडेंट 1886 सेकंड सेशन जोड़ा 1886 देन 1893 आ 1906 जोड़ा कलकत्ता सेशन है ना तो तीन टा सेशन रे बिल्कुल दादा भाई नारोजी कौन है ना प्रेसिडेंट है मन रखी देन देखियो हमें क्वेश्चन नंबर 7 व्हेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड व्हेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड सब जान छ पिला माने ऑलरेडी हम डिस्कशन करथिले कोडी ना हमरा बॉम्बे रे नहीं गोपाल दास तेजपाल कोन संस्कृत कॉलेज बॉम्बे रे ओ जी फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ए लोच को ना बॉम्बे बी इज योर करेक्ट आंसर करिबा करिबा परिवार चली योजना चली तो ठीक अच्छे बेच करवा लंच करवा चली प्लानिंग तेणु ऑन 28 December 1885 सेवेन टू सोशल रिफॉर्मर्स जर्नालीस्ट एंड लॉयर्स कंग्रेगेटेड फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे है ये सब कौन ना एकाठी होते ओके बहुत बढ़िया फैंटास्टिक सेवेन टू कौन डेलीगेट्स थे 28 December 1885 प्रथम कर सेशन क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पिला माने इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस को के फाउंड करते ऑप्शन ए उमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन बी माइकल ह्यूम ऑप्शन सी आलन ऑक्टेवियन ह्यूम ऑप्शन डी महात्मा गांधी बहुत सिंपल कॉलेज सिंपल माने क्वेश्चन किंतु कौन होची ना तमरे एठी एग्जाम रे आसुची मन रख सिंपल क्वेश्चन हेले मध्य तो जल्दी आंसर करो आई होप समस्त आपको करेक्ट आंसर दबो जो माने पिला ने सेशन को लाइक करनो लाइक कर दियो संग माने सहित शेयर करो ओके फैंटास्टिक आलन ऑक्टेवियन ह्यूम हला ए ओ ह्यूम बोल दे था तुम एग्जाम रे एउटा फुल फ्रंट छै आलन ऑक्टेवियन ह्यूम ए माइकल ह्यूम नो है कि आलन ऑक्टेवियन ह्यूम हला ए ओ ह्यूम बोल दे था हला क्वेश्चन भी देखि जियो चल आलन ऑक्टेवियन ह्यूम कोन फाउंडर करथिले हमरा द इंडियन नेशनल कांग्रेस नेक्स्ट आला क्वेश्चन नंबर 9 आइ जे देखिबा नेशनल कांग्रेस जो हला जे कह जाय कि आलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो बनै थिबे आगू को अच्छी डिस्कशन करवा क्वेश्चन से सेफ्टी भाल बुक है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन रो फाउंडर किए ऑप्शन ए दादा भाई नरोजी ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन नाइन नंबर क्वेश्चन ओके बहुत बढ़िया फैंटास्टिक ओके गुड ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर थैंक यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन ओके हम कोई डिस्कशन करिया सेफ्टी वाल्व थ्योरी ऊपर आगो अछि हैला चल इगे नाम हम देखले सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी देखो द इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन बंगाल इन 1876 बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इट सून डिस्प्लेस इन द इंडियन लीग व्हिच हैड बीन फाउंडेड द ईयर बिफोर एंड रिवाइवल rival the long standing british indian association la the british indian association thila which it regarded as a reactionary body of the landlords and industrialists na tenu kori ei chi kon na amra indian association found korle surendra nath banerjee au ye na amra anand mohan bose thila even foundation korthile as a political organization dekhiya se time re initially question number 10 number question dekhiya bela the second session of indian national congress was presided over by second session re kiye preside korthile
सेकंड सेशन ऑफ इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी से किए प्रेजाइड करते जल्दी ओके गुड गुड चल बहुत बढ़िया समय जल्दी आंसर कर जी हमें जल्दी सर आईटा क्वेश्चन अच्छे उमेश चंद्र बानर्जी नहीं दादा भाई नारोजी ताले कहो नहीं कि बहादुरुद्दीन त्यागजी आगे जर्जी युल्लो ना चार जन प्रथम जो जन रही है हिंदू जन पारसी जन मुसलिम आ जन कौन इंग्लीश प्रथम चार जन जो सेशन चार्टा कांग्रेस सेशन हम चार जन चारा कौन कम्युनिटी रू सेशन थे बहुत बढ़िया तो फैंटास्टिक है ना दादा भाई नारोजी तो देखिले मॉडरेट लीडर मान भर जब क्वेश्चन भी पाइब अधिकांश भाई पे कौन देखियो हाँ दादा भाई नारोजी उपर थाए मॉडरेट फेज है ना नहीं ओके गुड चल ये तो 1885 देखिए उमेश चंद्र बानर्जी जी आम गोटे हिंदू कहींपर तुम जब हिंदू लीडर कहींपर 1886 दादा भाई नारोजी पारसी जानते ना कि पारसी कम्युनिटी 1887 तुम बहादुरुद्दीन त्यागजी ये थे कौन मुसलिम फास्ट मुसलिम कांग्रेस प्रेसिडेंट कहे बहादुरुद्दीन त्यागजी हम है 1887 1888 जर्ज येलो तो आम इंग्लीश जगह 1889 विलियम वेदरबर्न है तुम मन रखते चार जन कम्युनिटी फास्ट देखिए तेणुक कौन कहें सेकुलर अर्गनाइजेशन लाइन कह पारे क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस को है चल किंतु एबे जो कांग्रेस देखो तो सही कांग्रेस नहीं है ना देखो क्वेश्चन नंबर 11 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज ए मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट टाइम क्या आम मॉडरेट हिसाब से गणना करें ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन बी दादा भाई नारोजी ऑप्शन सी एम जी राणांडे ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ए भितर क्या आम मैं मॉडरेट लीडर हिसाब से गणना करें जल्दी आंसर कर क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया चंद्रगुप्ता आंसर पड़ी आसला बंजुसना आंसर पड़ी आसला कुष्टगामी ओके मिहिर बंजुसना कमले कमलेश मिरीश भूपेन मिहिर प्रिंस ओके बहुत बढ़िया पॉलिसी सब कॉपी पेस्ट कर सब अलग अलग आंसर भी दूथ ना सब भाव जान 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 कर मार्थ ओके बहुत बढ़िया फैंटास्टिक 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 जबरदस्त पे जबरदस्त है ओके ओके बहुत बढ़िया तो ये भितर जो देखिए आम देख लाल बाल पाल भितर बाल गंगाधर तिलक पड़ी आसना ना एक्सट्रीमिस्ट लीडर तेनालीरु कन्फ्यूजन होगा दरकार जब मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट विषय आसो एक्सट्रीमिस्ट आम लाल बाल पाल लाल बाल पाल लाल लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक ना कि बिपिन चंद्र पाल तो ये रही कौन ना एक्सट्रीमिस्ट लीडर गुड़ा सहित अरविंद है सचिन सानियाल से मिसे तेनाली मन रख सब कौन ना ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर तेणु कौन बाल गंगाधर तिलक हो जे एक्सट्रीमिस्ट लीडर तेणु करेक्ट आंसर ये हम तेनाली कन्फ्यूजन होगा आवश्यक नहीं है चल बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 12 देखा द मेथड अफ मॉडरेट लीडर अफ द कांग्रेस वाज जो मॉडरेट लीडर मैंने थे कांग्रेस मैंने कांग्रेस मेथड गुड़ा कौन थी ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल मींस ऑप्शन सी पैसिव रेजिस्टेंस ऑप्शन डी सिविल डिसोबीडियंस लाल बाल पाल थे अरविंद घोष थे तुम गले ये आसो कौन ना अश्विन कुमार दत्त है अश्विन कुमार दत्त भी तुम आस एक्सट्रीमिस्ट लीडर हिसाब से आसवे बहुत बढ़िया जी जो भावुच आंसर मार किसी असुविधा नहीं बुझे ना समस्त गोटे आंसर मारे दरकार नहीं जी जो भावुच मार है तो किसी असुविधा नहीं बहुत बढ़िया फैंटास्टिक फैंटास्टिक है तुम पहले एक क्षेत्र में देखा जो मॉडरेट फेज देखुं ये टाइप क्वेश्चन आसो आम करेक्ट आंसर कौन हम ना कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मैंने जहाँ भी सीटा ब्रिटिश इंडिया जहाँ रूल रेगुलेशन चलती से रूल रेगुलेशन भितर रही प्रेयर रिजोल्यूशन करवा प्रोटेस्ट करा सीटा आसो देखो नन कोऑपरेशन जब कह नन कोऑपरेशन कन्सेप्ट पे जनरल डेवलपमेंट हो टाइप जो देखा जो आसुँच कौन ना गांधीजी गांधीजी आसला सिविल डीसी ओबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एगुड़ा स्टार्ट हो जदि भी आम कह स्वदेशी मूवमेंट आज पार्ट अफ कौन आसो तुम देखा पुड़ापुड़ी करवा सिविल डीसी ओबीडियंस कन्सीडर कर पार किंतु नॉन कोऑपरेशन सिविल डीसी ओबीडियंस ये सब जो मैंने कौन पॉलिटिकल टर्म गुड़ा गांधीजी आसला ही भल कौन ना पेसिव रेजिस्टेंसटा स्टार्ट होता कौन ना तुम ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर मैंने अपने पेसिव रेजिस्टेंस जिन कह मैंने कौन चुली जाड़े चुली लगे रोसे कर खाए कि तो पेसिव रेजिस्टेंस जनवा तो आम कौन तुम पेसिव मैंने तुम जो घर पिला ऋषि जाऊ ऋषि जाऊन रागि मुझे आज खाइबि तो रागिगले बाबा मत बाड़े मैंने गाड़ी कले मुझे खाइबी है तेनाली मन रख ना ये जो कनसेप्ट मन रख नन कोऑपरेशन हूँ असहयोग करवा मैंने ब्रिटिश सहित आम सहयोग करवानी मैंने ब्रिटिश ल को मानवानी सब जो टर्मिनोलोजी ना ही गांधीजी आसला पॉलिटिकल एयोकनिक सब कौन डेवलपमेंट होगा ट्रेनिंग सब लोग पूर्व
एगुटा ना जो देखा आम है तेनाली कन्स्टिट्यूशनल मीन्स थी कि कन्स्टिट्यूशनल मीन्स मैंने आम जहाँ भी नियम अच्छे जहाँ भी ल लगे से ल भर रही आम चाहिए रिफर्म आने चाहिए है तेणुक मन कर यहाँ कन्स्टिट्यूशनल मीन्स हम सब कन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन बोलते कहपार यहाँ जी कौन आम जो देखिए मॉडरेट लीडर मैंने अपने बेसिक तुम एक्सट्रीमिस्ट लीडर मैंने अपने जोटा कि से जिन कहे चूली जाली है कि रही है कम कि जीवन ये सब जिस गुड़ा आसो है तो मन कटे कौन कन्स्टिट्यूशनल मीन्स है करेक्ट आंसर हम बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच मॉडरेट लीडर फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है गोटे ऑर्गेनाइजेशन टा एस्टैब्लिशमेंट है 1905 रे आपको किए फाउंडेड करते कहते जो मेन लक्ष्य थी कौन ना वेलफेयर काम तो बनिया टाइम हो कि तुम बनिया हो मरु टाइम कौन ना वेलफेयर जिस करेंगे कि सोसाइटी भी बहुत सारा वेलफेयर एक्टिविटी मैंने बढ़े थे तो आसो कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पे किए फाउंडेड करते ऑप्शन ए जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन बी चित्तरंजन दास ऑप्शन सी एम जी राणांडे ऑप्शन डी आरसी दत्ता बहुत बढ़िया फैंटास्टिक समस्त आंसर आसी ओके गुड बहुत बढ़िया पिला माने बहुत बढ़िया जबरदस्त जबरदस्त समस्त करेक्ट आंसर आसी समस्त एकमत ओके फैंटास्टिक किए गोपाल कृष्ण गोखले है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये करते भी बहुत सारे एग्जाम पचार हुए मन को तो क्वेश्चन नंबर 14 देखा द करेक्ट क्रोनोलोजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलोजिकल ऑर्डर को टाइम फॉर्मेशन हो बॉम्बे एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा इंडियन एसोसिएशन आ कौन इंडियन लीग जल्दी आंसर कर बॉम्बे एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा इंडियन एसोसिएशन इंडियन लीग ओके वन फोर थ्री टू फैंटास्टिक बहुत बढ़िया चलो कौन हम करेक्ट आंसर सी चिंतार पड़ा राजेन्द्र भी चिंतार बॉम्बे एसोसिएशन तो प्रथम होता जना पड़े ना नहीं बहुत आगे चलो तार मद्रास महाजन सभा कथा इंडियन एसोसिएशन इंडियन लीग कौन आर करेक्ट आंसर कौन ना डी डी जो करेक्ट आंसर फास्ट हूँ कौन तुम बॉम्बे एसोसिएशन होपर इंडियान लीग आसा इंडियान लीग जो कहे कहते हैं इंडियान लीग करके आसमें इंडियान एसोसिएशन हेपर हिंपर वर्ष है ये 75 है 76 ना 1875 इंडियान लीग हो 1876 इंडियान एसोसिएशन बन दिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस मिसिक है मद्रास महाजन सभा पचर आस ना नहीं ओके तेणु करेक्ट आंसर डी हम बॉम्बे एसोसिएशन ये देख जगन्नाथ शंकर सेठ कि 1852 रे फॉर्मेशन करे इंडियन लीग तुम शिशिर कुमार घोष 1875 प्लान फॉर्मेशन करे इंडियान एसोसिएशन सुरेन्द्रनाथ बानर्जी और आनंद मोहन बोस कि 1876 फॉर्मेशन करे मद्रास महाजन सभा जो आस 1884 फॉर्मेशन हम है तो ये टाइम पीरियड देखे कौन ना वन यू आर करेक्ट एब्सोल्युटली 1432 ओके गुड चल नेक्स्ट डी जीरो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 हु सेड द कांग्रेस इज टटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एंबिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइज तो ये कथा किए कही थे पिला माने ऑप्शन ए जॉर्ज हैमिल्टन ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो हेला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी ये देखो ना कांग्रेस इज टटरिंग टू इट्स फॉल हेला तो ओके गुड बहुत बढ़िया फैंटास्टिक ओके फैंटास्टिक जॉर्ज हैमिल्टन है ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर कि हम कहते जॉर्ज हैमिल्टन एक कथा जॉर्ज हैमिल्टन कहते देख जॉर्ज हैमिल्टन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अक्यूज्ड द कांग्रेस लीडर्स ऑफ पोजिशिंग सेडिशियस एंड डबल साइडेड कैरेक्टर है कहते इन 1900 ही डिक्लेयर दैट है 1900 ही डिक्लेयर दैट द कांग्रेस इज टटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एंबिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइज बोली कहते कि ना आम जॉर्ज हैमिल्टन ओके मन रखी जाओ
ओके गुड चल क्वेश्चन नंबर 16 देखिवा हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पिलाने इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए जल्दी आंसर करो देखो पिला मैंने जोड़ा भी मुझे कहूनी जोड़ भी देख मोर देख जहाँ भी एक्सपीरियंस मुझे तुमको कहे ना जोड़ा भी मुझे आंसर दिए तुमको आंसर दूची मोस्टली देख तुम करेक्ट आंसर पाइब है तो मोस्टली जो मैंने भी कहूँ जो आंसर को जो मैंने भी मैंने चाहूँ ना सर ये आंसर ठीक ना ये आंसर ठीक तो प्रूफ सहित कह जमी कह जो आम गोटे थी डिस्कसन में तुम कह स्पेक्ट्रम कथ कह स्पेक्ट्रम से विषय ही लिखा है बुझे ना सांताल रिवेलियन कथ जो थी तार कौन ना ठीक से कह ना कौन पिला मैंने अलग अलग रास्ता को नियनि मुझे चाहूँ कौन ना आम समय मोर लक्ष्य कौन ना तुम मानक एक्जाम क्वाफाई कर जेको पिला हो तो तेणु जो करेक्ट जाच हाँ सर मैडम मैंने करेक्ट जाची ये बहुत देखिए ये जगह में पाइली तर आंसर कह अदरवैज तुमको भी कौन मानवा पड़ो ना ये ठीक है सार देखते तो अभ्यास ठीक है आगे भले रिसर्च कर मुझे कह सकते सब सब प्रकार रिसर्च कर नेट भी देख भल भल बही देख है बही देखिए देखो तो बाद भूल से ना सर ये बही अच्छी प्रिंट आउट देखना ये टाइप अच्छी कहे मुझे राजी से मन तो चलो किए हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बहुत बढ़िया फैंटास्टिक 1887 की बद्रुद्दीन त्यागजी ओके बहुत बढ़िया चलो फैंटास्टिक बद्रुद्दीन त्यागजी ये करेक्ट आंसर ओके फर्स्ट मुस्लिम जो देखिए हमें प्रेसिडेंट ओके चल नेक्स्ट जी बद्रुद्दीन त्यागजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कोडे ना 1887 कोडे मद्रास सेशन रे हे दिला मद्रास सेशन रे 1887 थी देखो ना फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट चल क्वेश्चन नंबर 17 हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये सब जानो ना नहीं कहीं टाइम अधिक वेस्ट करिया सब जानी आम डिसीजन कल इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी कौन किए थे आम दादाजी पलि आसवे ना नहीं दादा भाई नारोजी ना इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल है ना ये कहते सैलरी मध्यम तुम कौन ना कंपनी प्रॉफिट मध्यम नौते नारोजी है ना तो बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है ना तो मैंने लंडन रे लंडन पार्लियामेंट को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जोटा आम तुम कहीपर कौन मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स आउ हाउस ऑफ कॉमन्स है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा तो मैंने ब्रिटिश रे जो थी पार्लियामेंट से लोकसभा को किए प्रथम जाइए हाउस ऑफ कॉमन्स ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन सी फेरोज शाह मेहता ऑप्शन डी उमेश चंद्र बनर्जी ओके राजेंद्र ठीक अच्छे है ना इट इज नोटेड कोडे मान नेट रु ना ओके गुड है ना देखिबा ठीक अच्छे करेक्ट अच्छे थिबो सेटा ताला हम ताको चेंजेस करिबा ओके गुड चलो चलो ठीक अच्छे बाकी ता देखिबा आउडी भलारी देखिबो है ना जोडी भी मारला सडन मारलो आउडी भलारी चेक चेक करिबो तापर कहिबो ना थिबो सेटा हम नेबा एसेट करिया किछ असुविधा नै क्वेश्चन नंबर 18 तो देख हु आज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के ना दादा भाई नारोजी ओके गुड तुम्हें भी देख भलारे मुझे कह रहा तुम जो मैंने जो भी आंसर कौच कहीं सैट्रे गुड़े सैट अच्छी गुड़िया आंसर अपलोड कर भलारे देख है देख ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं भलार देखिए ये जन है तो ये ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर कौन नाम दादा भाई नारोजी ओके चल 1892 जनरल इलेक्शन जाऊँ फिंसपुर जाते कौन ना ये इलेक्टेड हो क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट्स ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वाल्व देख जदि आम कह अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट्स ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी हु वांटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी ए सेफ्टी वाल्व ए सेफ्टी वाल्व थ्योरी कि मैंने कहते ये प्रचार किए करते अधिकाश आलन ऑक्टेवियन ह्यूम ना लॉर्ड लिटन ना उमेश चंद्र बनर्जी ना सूर्यनाथ बनर्जी
ओके गुड, बहुत बढ़िया। कि इधर एओ ह्यूम ए रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना। वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ द ह्यूम इन हेल्पिंग टू फाउंड द नेशनल कांग्रेस वाज टू प्रोवाइड एन आउटलेट ए सेफ्टी वाल्व टू द इंक्रीजिंग पॉपुलर डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल है ना। तेणु मन रख ये कहुए जदि तेणु आर करेक्ट आंसर कौन ना एओ ह्यूम सेफ्टी वाल्व मान कहार उद्देश्य है कि जदि अधिक प्रेसर प्रेसर कुकर थ्योरी ना सब जाच आ कौन प्रेसर कुकर थ्योरी ना कि से प्रेसर रिलीज हे यहाँ सेफ्टी भाल ना प्रेसर जब बढ़ी बढ़ी पड़े ये कौन ब्रस्ट हो तेनाली मझे मझे टिके कौन ना ये प्रेसर बाहरी पड़ा दरकार प्रेसर टिके बाहरी पड़े कौन हाँ ना रिलैक्स रे मैंने तो आम अत्याचार करेंगे से कौन आम अपरेसन करेंगे बहुत अत्याचार करेंगे कि मझे मजे कौन हम ना से आठ दसटा मैंने दसटा खंडे डिमांड कर गोटे दुटा डिमांड शुणी शुणी देते तो कम से कम बालांस हो ना 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 से सेफ्टी भाल टाइप काम करेंगे कहते कि थीटा जेने देखा कि आसवे आम लाला लाजपत राय एम सब कौन ना अधिकांश कौन युवा प्रचार करेंगे है ना तो ये थीरी गुडा एगेनेस्ट प्रचार करेंगे मैंने क्रिटिसाइज करेंगे कांग्रेस को है ना आगो एक्सट्रीमिस्ट लीडर मैंने तर क्वेश्चन नंबर 20 देखा कोड़े नंबर क्वेश्चन हु वाज कार्ल ग्रांड ओल्ड मैन अफ इंडिया सब जाच ना नहीं एथर आउ टाइम अधिक कहीं वेस्ट करवा कौन कह जल्दी जल्दी आंसर कर दि सब जान क्या कह हु वाज कॉल्ड द ग्रांड ओल्ड मैन अफ इंडिया जान सब ना ना चल जल्दी आंसर कर ओके गुड किए ना दादा भाई नारुच करेक्ट आंसर है दादा भाई नारुच ओके ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देख किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग है राजा मैंने क्या सहित ना पब्लिक मान बनते कितु पब्लिक राजा बनना हु एमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट टाइप स्टेटमेंट किए कहते हैं ऑप्शन ए सूर्यनाथ बनर्जी ऑप्शन बी आरसी दत्त ऑप्शन सी दादा भाई नारुची ऑप्शन डी किए गोखले जल्दी आंसर कर ओके ओके बहुत बढ़िया फैंटास्टिक चलो करेक्ट आंसर किए नाम कहीं भूली गल समस्ते दादा को भूली गले किए देखा से ही दादा भाई नारोजी किए हमारे भूली गले कमी हम मॉडर्न लीडर भितर बहुत सारा देखिए अधिकांश आंसर कौन आस दादा भाई नारोजी है कि किए ये भी ये कथा भी किए ना दादा भाई नारोजी ही कही मन रख करेक्ट आंसर तुम कौन आस सी तुम मॉडर्न फेज रे देख जदि क्वेश्चन आस देखिए अधिकांश कौन आसो ना तुम दादा भाई नारोजी ओके चल ओके ठीक है चल से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कर भावुच ना मीर ना कौन चल दादा भाई नारोजी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सुन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ब्रिटिश बिकाज सस्पिशियस ऑफ नेशनलिस्ट हु अमंग द फॉलोइंग कॉल कांग्रेस रिप्रेजेंटिंग ओनली द एलाइट ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी तो ये भीतर किए कही थे मैंने कांग्रेस गोटे ओनली एलाइट ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करिए ऑप्शन ए लॉर्ड नेपियर ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन ना ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन बहुत बढ़िया फैंटास्टिक फैंटास्टिक के लॉर्ड डफरिन ओके चल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 मॉडरेट्स हैड फेथ इन मॉडरेट्स हैड फेथ इन मॉडरेट माने कोड फेथ रखुथले ऑप्शन ए मास एक्शन ना ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल ना सी पूर्ण स्वराज ना डी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मींस सब जानिचो ना नहीं बहुत बढ़िया फैंटास्टिक बढ़िया आंसर सब पलि आसाना नहीं कौटे रखुते ना मॉडरेट हैड फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल है मॉडरेट मैंने ब्रिटिश जस्टिस आउ गुडविल फेथ रखी मॉडरेट फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस एंड गुडविल क्वेश्चन नंबर 24 देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डिमांड ऑफ मॉडरेट्स ए भितर कौटा मैंने मॉडरेट मान डिमांड भर इंक्लूडेड ना ऑप्शन ए अबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड सुगर ड्यूटी ऑप्शन बी रिडक्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन आर्मी ऑप्शन सी स्वराज आज बर्थ राइट ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया जबरदस्त सब जबरदस्त आंसर दौ जबरदस्त आंसर समस्त करेक्ट आंसर पहुंची गला ओके ओके
चलो तो बहुत बढ़िया पिला क्वेश्चन नंबर 24 आंसर सब बहुत बढ़िया समस्ते आंसर दो बहुत बढ़िया कौन ना स्वराज आज बार्थ राइट यहाँ आम कौन ना डिमांड ना जी मैंने कौन मॉडरेट्स मान हेला ये थिला कौन आम एस्टिमेट लीडर किए ना बाल गंगाधर तिलक है बेज तिलक स्वराज इज माई बार्थ राइट आई विल हैव इट चला क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉट फॉलोड बाय द मॉडरेट मॉडरेट मान द्वारा को मेथडटा फॉलो कराउन थिला ऑप्शन ए प्रेयर ऑप्शन बी पिटीशन ऑप्शन सी प्रोटेस्ट ऑप्शन डी कौन प्रमोशन ऑफ स्वदेशी तो इनिशियल देखिले पिला माने तीनटा तांगर कौन ना देखियो आमे मर्डर मानकर जे मेथड रे देखिबा प्रेयर पिटीशन रिजोल्यूशन आ प्रोटेस्ट ना नै से भीतर प्रमोशन ऑफ स्वदेशी इटा नथिला हैला ओके तो ए करेक्ट आंसर डी क्वेश्चन नंबर 25 26 वेलबाय कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंक्वायरी इनटू वेलबाय कमीशन काई के आसीला वेलबाय कमीशन काई के आसीला जल्दी आंसर कर बहुत बढ़िया फैंटास्टिक प्लान समस्त करेक्ट आंसर दौ कौन ना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन इंडिया ना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन इंडिया आपको आसला है मन रख देन क्वेश्चन 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट ए भितर कोडा अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट बोली प्लान कोडा हमें कंसीडर करिया अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट कोड थिला पॉपुलराइज द नेशनल अवेकनिंग एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल ऑफ द अबव ओके करेक्ट सबुडा प्लान करेक्ट ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ओके जेन देखिबा व्हिच मॉडरेट लीडर इज कंसीडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधीजी पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी सब जानिछ के ना जीके गोखले को पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधीजी कहबा द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज अटेंडेड बाय हाउ मेनी डेलीगेट्स ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सकते प्लान एथरे 72 डेलीगेट्स थिले जे देखिबा हु यूज द टर्म सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट मॉडरेट मानु के ना सेफ्टी कहले लाला लजपत राय हैला मन रखे के ना लाला लजपत राय यूज द टर्म सेफ्टी वाल्व हैला टू अटैक इन द मॉडरेट्स ओके थैंक यू ऑल पिला माने थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन ए क्वेश्चन रा आंसर सब कोन कमेंट सेक्शन लिखियो ओके थैंक यू ऑल लेट मी वाइंड अप द क्लास लव यू ऑल पुन देखाबो नेक्स्ट सेशन रे